अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे। अल्लाह ताला सबको अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे। आज हम बनाने रहेंगे हैं आलू टिंडे। गर्मियों की रेसिपी है, लोग आलू टिंडे भी बनाते हैं, हम आलू टिंडे भी बनाएंगे। मैंने लिए हैं 3 पाव आलू, आधा किलो टिंडे, 3 अदद टमाटर, 2 चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट, 3 प्याज, और ये कलौंजी, नमक, मिर्चें, हल्दी, धनिया। कलौंजी इसमें ज़्यादा भी डलती है, फिर इसका जायका बहुत अच्छा आता है। और हम शुरू करते हैं अपनी हंडिया को। आधा कप ऑयल लेके उसमें मैंने प्याज को डाल दिया। अब प्याज को हम बिल्कुल पिंक होता है ना, लाइट ब्राउन, जैसे लाइट से लाइट हल्का सा हो जाएगा प्याज, उसको भी हम इसमें अब डाल देंगे। लहसुन अदरक का पेस्ट और कलौंजी, कलौंजी इसका मेन इंग्रीडियंट है। कलौंजी से बहुत अच्छा तड़का आता है, ठीक है। नहीं, मैंने पक दिया। हाँ जी, अब इसमें मैंने लहसुन अदरक का पेस्ट डालूंगी, और ये हरी मिर्च है काफी, काफी अपना टमाटर दो तीन मिनट के लिए ढक के रखेंगे। जब टमाटर सारे नरम हो जाएंगे फिर इसमें हम डालेंगे सादे मसाले, बाकी मसाले डालेंगे जी। अब ये मैंने 3-4 मिनट गला लिए हैं टमाटर, अब इसी में डाल देंगे बिस्मिल्लाह रहमान रहीम सफ़ेद जीरा, धनिया, नमक, मिर्ची, हल्दी, तमाम चीज़ें डाल देंगे, और थोड़ा सा पानी देंगे। हम थोड़ा सा मसाले को नमी लाने के लिए, मसाले में नमी लाने के लिए, ताकि मसाला जले ना, पानी डाल दें। इसी तरह अलग हो जाता है इसमें, अब ये मसाला काफी भून चुका है। अब मैं इसमें टिंडे और आलू डाल दूंगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आलू मैंने थोड़े से और डाल दिए इसमें, जो लोग पसंद नहीं करते टिंडे खाना, उनके लिए तो खास तौर पे ये है कि आलू डल जाते हैं, प्लीज ट्राई कर जाते हैं इसका, बहुत अच्छे बनते हैं, मज़े के बनते हैं। नमक मिर्चें आपने अपने जायके के मुताबिक डालनी है। अब इसे मैं दम लगा दूंगी, दम इसे तकरीबन लगेगा आधे घंटे का। अगर आपने जल्दी पकाना है तो फिर थोड़ा सा पानी डाल के तेज चूल्हा करके 15 मिनट के लिए हम इसे गला लेंगे जी। अब ये देखें, मैंने ढक्कन उतार दिया और ये बिल्कुल अब ना मिक्स हो गए हैं जी। अब इसे और 15 मिनट के रखूँगी बिल्कुल हल्की आंच पे, और बस फिर ये तैयार, और हम इसे डिश आउट कर देंगे जी। अब ये सालन तैयार है, साथ अचार के आप खाएं, और अपनी बिल्कुल बनाइएगा और बताइएगा कौन सा कैसा बना है, और अपनी दुआओं में याद रखें। जजाकल्लाह।